आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। कहते इंसान अगर कितना ही मजबूत दिल का क्यों ना हो, एक ना एक रोज उसके आंखों से आंसू जरूर छलक जाते हैं। चाहे वो मजबूत दिल इंसान किसी के मैयत पर अपने आंसू बहाए या ना बहाए, लेकिन एक रोज ऐसा आता है जब वो अपने दिल के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करना है तो उसके आंखों में आंसू आ ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र आवार मंत्री की, जिन्होंने आज अपनी बेटी को विदा किया और विदा करते वक्त उनके आंखों से आंसू छलक गए। मंत्री के यहाँ शादी, यानी आप सोच रहे होंगे कि बहुत धूमधाम हुआ होगा, बहुत ही पटाखे बजाएंगे, शोर गुल हुआ होगा, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेटी की ये अरमान थे कि मैं शादी जो है वो सादगी के साथ करूँ, तो बेटी के अरमान को वो पूरा क्यों नहीं करते। बेटी के अरमानों को पूरा करने के लिए उन्होंने हामी भरी और बिल्कुल सादगी के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। आइए देखते हैं उसी शादी की एक तस्वीर। सासरी जाणार आहे आपल्या घरी, अर्थात ते तिचं घर असेल। 25 वर्ष आपल्या अंका खांद्यावर खेळलेली ते आपल्या घरात बसणार ही भावना खूप वेदनादायी आहे। काय बोलावे त्या बाबा, कितीही मन कठोर करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते होत नाही, कारण का आपल्या घरात हसणारी, बागडणारी, कधीतरी अंगावर धावून येणारी, ओरडणारी, उद्यापासून ती नसणार। असं काय कॅबिनेट मंत्री वगैरे, शेवटी मी एका पोलीसचा बाप एका पोराचा सासरा, ते सर्वात महत्त्वाचं नाते। कॅबिनेट मंत्री याच्यात येतो कुठे, मुलीला जे आवडतं ते मी केलं, जे मुलीने सांगितलं, जे जे तिने सांगितलं त्या त्या पद्धतीने मी करत दिलं। मी माझं कुठलंही म्हणणं तिच्यासमोर मांडलेलं आहे, लग्न तिचं आहे, त्यामुळे ते कसं करावं हा अधिकार तिचा आहे, तिच्या अधिकारात कुठेही बाधा येत नाही।